जैसे कि आपको अभी तक तो पता चल ही गया है कि पाकिस्तान के अंदर आटे की मारामारी चल रही है, भुखमरी चल रही है। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व के नाम पे 4 से 5 बिलियन डॉलर ही बचे हुए हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इनके 15 से 20 दिन तक चल सकते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। पाकिस्तान की मुसीबत यही खत्म नहीं हो जाती, पाकिस्तान की मुसीबत यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि 2025 आते आते पाकिस्तान को $74 बिलियन का कर्जा चुकाना है और इन कंगलों के पास में 4 से 5 बिलियन डॉलर है, कहाँ से देंगे पता नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हाथ खड़े करने में माहिर है, तो हाथ ही खड़े कर देगा या ढह जाएगा। 2025 तो बहुत दूर है, उससे पहले ढह जाएगा, मैं जानता हूँ। तो पाकिस्तान अपने 75 साल के करियर के अंदर सबसे बदतरीन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम शहबाज कटोरा शरीफ ने भी कहा कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलतियां की है, भारत से जंगे करके हमने बदहाली और गरीबी ही झेली है, और जंग लड़ लो उनसे, चाहे लो कश्मीर कश्मीर करते रहो, पूरी जिंदगी गुजर गई है इनकी। के मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है, फौज तैयार है, अच्छा, कौम तैयार है, ठीक है, हम तैयार हैं। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और मौशी सूरत हाल से दो चार है, देश संकट में है। तो इन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की धीरे धीरे अकल ठिकाने आती जा रही है, खास तौर से इनकी आवाम की भी अकल ठिकाने आ रही है। उनको भी पता चल गया कि 75 साल के अंदर जो हमको चूरन बेचा गया, वो चूरन किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान बर्बादी के दहाने पे आ गया है, लेकिन आज भी कश्मीर के नाम का चूरन पाकिस्तानियों को दिया जाता है और पाकिस्तानी बड़ी खुशी खुशी उस चूरन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हकीकत को तस्लीम ना करने से हकीकत बदल नहीं जाती, हकीकत बोल रही है कि भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास के, भारत का नाम लेने वाला। एक पाकिस्तानी इंडिया आया था और उसको इंडिया का माहौल कैसा लगा, पहले तो हम ये देखते हैं। उस्मान, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ MBA में। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो भी स्पेसिफिक यूथ के लिए है कि व्हाट पाकिस्तानी यूथ थिंक अबाउट इंडिया। बाकी यूथ का तो नहीं, मुझे तो जो मैं जो सोचता हूँ वो हम ऐसे ही सोचते हैं जैसा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, क्योंकि हम तो खुद इंडिया से आए हुए हैं। जब पार्टीशन हुई थी, अच्छा, तो हमारे अबाओ अजदाद थे जो, वो इंडिया से आए थे, पंजाब से, तो उस रिलेटेड भी वैसे भी मतलब कि एक कैसे कहते हैं, अगर हम पढ़ाई फील होती है अपने पढ़े लिखे लोग अगर ये चीज़ नहीं प्रमोट करेंगे और वॉर प्रमोट करेंगे, ऐसी चीज़ें हेट्रेड एक्टिविटी प्रमोट करेंगे, तो फिर ये चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा, अच्छी अच्छाई की तरफ जाएगा कौन, सुलह की तरफ जाएगा कौन। तो अच्छा फील करते हैं उनके बारे में, और अच्छा अच्छी बात की आपने कि जहाँ पे दुनिया में इतनी नफरत फैली हुई है, वहाँ पे कुछ ना कुछ सुकून, पॉजिटिव, पीस की बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपको मौका मिले इंडिया विजिट करने का, घूमने फिरने का, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करने का, खाने पीने खाने का, तो करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आई हैव बीन टू इंडिया वंस इन 2014। मैं पढ़ता था FC कॉलेज में सेकेंड ईयर में, तो हमारा यहाँ से जाना था, वो ज्योग्राफी का कोर्स था मेरा FA में। आप पहले इंडिया जा चुके हैं, तो उधर ज्योग्राफी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे लोग, इतने मेहमान नवाज लोग हैं यार, मैं कह रहा हूँ छोड़ बातें दे। और क्या उसे कहते हैं, स्टूडेंट से भी, उधर के स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। वैसे भी अब जितना क्या उसे कहते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्रमोट हो गया, एक ही हो गई है बात ना, पता चल जाता है लोगों का। तो उधर की जो पढ़ाई है ना, उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की, सिस्टम आपको मुतासिर। अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से UK पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कैनेडा जा रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे हैं, नेचर कैसी है, थोड़ा सा कल्चर के बारे में बताएं कि वो जैसा हमारे हैं वैसे ही उधर भी वैसा सीन है। कल्चर्स तो उधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, लेकिन मैं इतनी जगह पर नहीं, हमारा था आगरा तक जाना, ठीक है, आगरा में हमारा वो था, ठीक है, कंपटीशन, और उसके अराउंड ही हम रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग अपनाइयत, मैं कह रहा हूँ, और मेहमान नवाजी। इंडिया यूथ में क्या आपने देखा, आपने अपनी जैसी यूथ में क्या एनर्जेटिक और एनर्जी और विजन देखे? वो सुकून पसंद हैं, ठीक है, सुकून पसंद लोग हैं, कोई मतलब कि लड़ाई झगड़े वाले नहीं, मतलब के क्या उसे कहते हैं, जैसे ट्रिगर हो जाते हैं यहाँ पे, ट्रिगर हो जाते हैं छोटी सी बात पे, वो बड़े पुरसकून हैं, भाई के अलावा कुछ कह के नहीं बुलाते एक दूसरे को भी, चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा, ठीक है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। यूथ आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में पीस हो जाए और ट्रेड हो जाए और मामला जितने भी बिखरे हुए हैं उनको टेबल टॉक के थ्रू हम सुलझा लें, तो हम पाकिस्तान में खुश रहें, वो इंडिया में खुश रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैं तो शुरू पे भी आपको यही बोला कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर अब नहीं होंगी तो कब होंगी, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए,
पीस आउट होनी तो चाहिए भाई। हमारी तो विचारधारा ही ये वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। लेकिन मेरे भाई पाकिस्तान की आर्मी को ये बात समझ में नहीं आती है, अगर वो भारत के साथ में अपना पंगा नहीं रखेंगे, अपना फड्डा नहीं रखेंगे, तो पाकिस्तानी आर्मी का वजूद खतरे में आ जाएगा। और वो और पाकिस्तानी आर्मी के अफसर ये कभी नहीं चाहते कि उनकी वैल्यू कम हो। इसलिए कश्मीर का चूर्ण और भारत के नाम का चूर्ण चलता ही पाकिस्तान में बिकता ही है। अभी जो हमारी इकॉनमी है वो लोएस्ट स्टेज पे आ गई है, रिजर्व्स जो हमारे वो तकरीबन ना होने के बराबर है, कर्जों में हमारा मुल्क डूबा हुआ है, आईएमएफ के कर्जे पे हम चल रहे हैं, गरीब की रोटी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक खबर आई है कि एक गरीब जो है वो आटे का थैला लेने गया है और भगदड़ में वो अपनी जान गवा बैठा और उसके बच्चे जो है पीछे इंतजार करते रहे हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में पॉलिटिक्स को कोई शर्म नहीं आ रही, अवाम को कोई शर्म नहीं आ रही कि ये जो है ऐसे मुसल्लत हो गए हैं लोग, तो जो मतलब कि अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते, गरीब के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते। पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो इवेंट होते हैं ना, उनको किसी खास मकसद के लिए कोड किया जाता है। गरीब मुश्किल हालात में बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि अब तो जो बेहतर हालात में लोग थे वो भी इस स्तर पर आ गए हैं कि उनके भी हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। कि जब भी हमारे मुल्क में हालात ख़राब हो जाते हैं, हम जो है वो ये कह देते हैं जी इंडिया हमारे मुल्क में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवा रहा है, जी अमेरिका जो है वो हमें ये कर रहा है, इंडिया ने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों हमारे पॉलिटिशियंस हमारी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करते? भाई जान बात ये है कि आपको लगता है इंडिया ने हमें तबाह किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है ये हम खुद हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है। ये इस मुल्क के हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है और वो उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हम खुद ही अपनी कब्र खोते जा रहे हैं। हमें किसी इंडिया अमेरिका से, हमें कोई आईएमएफ से कोई कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारे मसाइल के वजह नहीं है, मसाइल हम खुद क्रिएट करते हैं और उसका बेड़ा गर्क करते हैं। यही जो आपका माइंड सेट है, यही माइंड सेट हर पाकिस्तानी का अगर हो जाए और हर पाकिस्तानी ये सोच ले कि कहीं ना कहीं दूसरी बात कमी और खामी हमें है, हमें खुद को बेहतर करना है। दूसरी बात, अच्छा अगर इसी सिचुएशन पे देखा जाए, जो इकोनॉमी का हिसाब बना हुआ, हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी, हमने कहा जी ये है वो है ये है, इंडिया हमारे साथ ये करता है, तो अभी वक्त की जरूरत है कि हमें अपने नेबर्स कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी चाहिए ताकि हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाए। और भाई जान सारा पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, असल बात ये है जिस यहाँ पे आप दो ढाई डेढ़ सौ रुपए किलो प्याज बिक रहा है और भाई आप ईरान से और पता नहीं कहाँ कहाँ से मंगवा रहे हैं, ये आपका यार एक कदम क्रॉस करो तो बॉर्डर है और उधर सारा पंजाब है जो आपको वाघा बॉर्डर के साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। भाई आपको क्या तकलीफ है, अगर वो चीज़ आ जाएगी तो इस मुल्क के गरीब को अगर सस्ती सब्जी मिल जाएगी तो आपको क्या मौत पड़ रही है? और बंद भी हमने की, बंद भी हमने की, उन्होंने नहीं की बंद। मसला ये है कि ये सारा पॉलिटिकल इशू है, इसको दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनकी भी बगैरती का आलम यह है कि वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ कौम के इंटरेस्ट में है, ये कौन सी अवाम के फायदे में है, वो क्या करते हैं अब इंडिया के साथ ट्रेड करनी हमारे फायदे में है, क्योंकि जो चीज़ हम 100 रुपए की ले रहे हैं कहीं घूम घुमा के, वही चीज़ हम 50 रुपए की सीधी सीधी, तो ये पॉलिटिकल स्टंट होता है। इसलिए अब मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, अब ये कहता है कि इंडिया के खिलाफ नफरत फैला दो, इंडिया के खिलाफ नफरत फैला दो, नहीं देखें जो इनकी इंडिया के साथ डिस्प्यूट है वो बिल्कुल है, आप उसको उस लेवल पे बिल्कुल टैकल करें। क्या मेन डिस्प्यूट क्या है हमारा इंडिया? हमारा कश्मीर के साथ है और वो कश्मीर का और क्या डिस्प्यूट है उनका? ठीक है, जो टेरिटरी का डिस्प्यूट है वो बिल्कुल है, लेकिन उसको हल कैसे किया जा सकता है? हल भी तो नहीं कर रहे भाई जान। पहली बात है 75 साल में हमने चवले मार के देख लिया ना, इसके पॉलिटिकल ही हाल था, जिसको हमें पहले मौके मिले हमने उसको बर्बाद किया, ठीक है, और बर्बाद हमने आज़ादी इंटरेस्ट के लिए किए, हमने इस मुल्क के लिए नहीं किए। जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आता है वो एक रिस्पेक्टेबल वे है, आपको इज्जत दे रहा है, आपके पास बड़ी ताकत है, वो 1.5 अरब का मुल्क है वो, और वो आपके पास चल के आ रहा है। आने वाला दौर लड़ाई झगड़े का नहीं है, प्यार मोहब्बत का दौर है भजन। बात यह है कि लड़ाई झगड़े वाला तो कोई भी दौर नहीं रहा यार, अब तो खैर लड़ाई हुई तो अब तो हालात ही कुछ और हैं। और दूसरा ये है कि डिस्प्यूट पूरी दुनिया में यार टेबल पे बैठ के हल होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपने रेज, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हुई है तो उन्होंने क्या किया, कहाँ सीखा, क्या उखाड़ लिया, तो अब लिहाजा ये इशू नहीं है। आप ट्रेड पे जाएं, आप उनसे निगोशिएट करें, वो आए थे इंडिया से बात करने आए थे तो भाई कुछ बात ही चलनी थी ना आगे, आपने वो तो नहीं किया। अब वक्त की जरूरत है इंडिया के साथ ट्रेड करना बिल्कुल होना चाहिए, डायलॉग होना। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, सियासतदान हैं, उनको फ्री हैंड देना चाहिए जी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।